तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे YouTube फैमिली मेंबर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जर्नलिस्ट ब्लॉग्स बाय शिवम बख्शी में। तो आज का खबरनामा लेके फिर से आपके सामने हुआ हूँ हाजिर। तो आज का जो है खबरनामा करते हैं शुरू। आज की पहली खबर, भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते बुड़गाम के भेरवा इलाके से 4 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद। तो आज की दूसरी खबर है, पुंछ पुलिस में तैनात एसपीओ का संदिग्ध परिस्थितियों में पुंछ के कनकोट इलाके से मिला शव, परिजनों ने उठाई जांच की मांग। तो आज की तीसरी खबर है, कठुआ पुलिस ने 3 किलो 700 ग्राम बुक्की के साथ एक नशा तस्कर को माही चक से किया गिरफ्तार। तो बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर, एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू के बठिंडी में छापेमारी कर मोबाइल फोन व सिम कार्ड किए जब्त। तो बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर, बारामूला पुलिस ने लश्करे तोयबा का एक आतंकी और 5 सहयोगी उसके यानी ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार, एसएसपी बारामूला ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। तो बढ़ते छठी खबर की ओर, तहसीलदार पुंछ अंजुम बशीर खान ने आज संभाला एआरटीओ पुंछ का कार्यभार। तो चलते हैं सातवीं खबर की ओर, डीसी राजौरी विकास कुंडल ने ओल्ड बस स्टैंड के पास सुक्तो नदी पर बड़े पैमाने पर चलाया सफाई अभियान। एडीसी राजौरी राजीव खजूरिया, म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन आरिफ जट और भारत भूषण वैद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब, डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर आकिल नवीद व अन्य लोग रहे मौजूद। आज की आठवीं खबर, जिला विकास आयुक्त रजौरी विकास कुंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के अदालती मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता। पुंछ मंडी के पलेरा इलाके में कार गिरी खाई में, 2 लोगों की हुई मौत, 1 अन्य घायल, घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पुंछ में कराया गया भर्ती। तो आज की दसवीं खबर, जम्मू के वार्ड नंबर 17 में आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। 11वीं खबर की ओर चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जम्मू ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। पीएचई वर्कर्स ने चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर सरकार ने जीएमसी के एक पार्षद को अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग के आधार पर हटाया। जीएमसी की पार्षद ज्योति देवी को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा। कुलगाम पुलिस ने डीएचपुरा में पीसीपीजी यानी पुलिस कमेटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का किया आयोजन। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाए जाने वाले लिथियम रिजर्व शेयर में जवाबदेही की उठाई मांग। नशे के खिलाफ राजौरी पुलिस की मुहिम जारी, नए बस अड्डे पर की गई छापेमारी। उत्तराखंड सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंच की एक केबल कार कंपनी के साथ किया साइन। तेलंगाना में गणपति विसर्जन के चलते 2 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर लगाई पाबंदी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री प्रताप शुक्ला ने सीमावर्ती क्षेत्र किन्नौर का किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 91वें जन्मदिन पे दी बधाई। अभिनेत्री वाहिदा रहमान को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। श्री राम मंदिर अयोध्या कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरपर्सन नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक अयोध्या मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम जो है दिसंबर के आखिर तक हो जाएगा पूरा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज दिन भर की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जैसे और हर रोज मेरा मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है शिवम का खबरनामा, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अपडेट्स जो पूरी हैं मेरे से मिल जाती होंगी।
लेकिन आज मेरे को कुछ कमेंट्स आए हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना जो आप पहले जैसे व्लॉगिंग कर रहे थे डेली रूटीन की, मैं दिन भर क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तो वो शेयर किया करो, ये खबरनामा रहने दो। और कुछ लोगों का कहना है कि न्यूज़ के साथ साथ जो उनकी क्लिप्स हैं या विजुअल्स हैं वो साथ शेयर किया करो। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये आपका खबरनामा चल रहा है ये अच्छा है, इससे हमें शाम को पूरी अपडेट मिल जाती है कि देश भर में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग व्लॉग बनाऊँ या खबरनामा किया करूँ, या फिर मैं दोनों ही साइड बाय साइड चलता रहा करूँ, एक तरफ से व्लॉग भी बनाया करूँ और दूसरी तरफ से आपके साथ खबरनामा भी शेयर किया करूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सजेशन दीजिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, राधे राधे।